चैनल और आज मैं लेके आई हूँ सर्दियों के लिए एक रामबाण इलाज आप लोगों के लिए। सर्दियों में हमारी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, ऐसे लगता है कोई भी क्रीम लगा लो कुछ भी फ़ायदा नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता। तो आज मैं एक इतना ज़्यादा असरदार रेमेडी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कि एक बार आप इसको ट्राई कर लेंगे और लगा लेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपका कई दिनों तक आपके जो फेस का जो मॉइस्चर है ना वो जाने वाला नहीं है और आपकी जो स्किन है वो ड्राई नहीं होने वाली है। और इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना इसलिए क्योंकि ये केवल जो रेमेडी है यही काम नहीं करेगी, जो टेक्निक है आपको मसाज करने की अपने फेस पर वो जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि मैं किस तरीके से इसको मसाज कर रही हूँ। जिस तरीके से हम फेस पे मसाज करते हैं, फेशियल करवाते हैं, उस तरीके से हमें बहुत अच्छे से मसाज करना है तभी ये रेमेडी काम आएगी। और इस रेमेडी से आपके जो चेहरे पे जो झुर्रियाँ हैं, जो आपके फेस पे जगह जगह टैनिंग हो गई है, खासकर उन लोगों के लिए जो जिनका जो स्किन जो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और जगह जगह से वो फटने लगती है विंटर्स में, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रेमेडी है। तो ये ले ली है मैंने थोड़ी सी मलाई, एक चम्मच मलाई ले ली है। और ये रेमेडी आप चाहें तो अपने हाथों पर भी यूज़ कर सकते हैं, नेक वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको अपने फेस पे दिखाऊंगी। एक चम्मच मैंने ले ली है मलाई, इसमें मैंने डाल दिया है 2 से 4 बूंद या 5 बूंद मैंने डाल दिया, यानी कि आधा चम्मच रख लीजिए। इसमें डाल दिया है कैस्टर ऑयल मैंने। कैस्टर ऑयल आपके बालों के लिए और आपके जो है फेस के लिए, आपके लिप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और ख़ासकर कैस्टर ऑयल हो, अगर ऑर्गेन्स का कैस्टर ऑयल हो तो वो तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये 100% वेजिटेरियन है, अच्छा ऑयल है, बहुत ज़्यादा ठीक है, ये बहुत ही अच्छा ऑयल है कैस्टर का। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अगर आपको चाहिए तो देख लेना। ओके, अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको अपने हाथों पर ले लूँगी और उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे। फोरहेड पे हमारे बहुत ज़्यादा सनबर्न वगैरह हो जाता है, टैनिंग हो जाती है और रिंकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं बहुत लोगों के फोरहेड पे, तो फोरहेड पे बहुत अच्छे से करें। इसको अप्लाई करने के बाद आपको लगभग 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है इस तरीके से, या अगर आप चाहें तो 1-2 घंटे के लिए भी इसको छोड़ सकते हैं। इसको लगाने के बाद मसाज आपको बहुत अच्छे से करनी है। इसको जब मैं नहाने जाऊंगी तब मैं इसको वॉश करने वाली हूँ, और क्योंकि मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, एक्सट्रीमली ड्राई है मेरी स्किन, तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा देर तक छोड़ने वाली हूँ ताकि अच्छे से मेरी स्किन इसको सोख ले जो इसमें मॉइस्चर है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। अगर कोई क्वेश्चन या फिर कोई क्वायरी है आप लोगों की तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए।